तो बायोटेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है उसके बारे में अगर मैं बात करें, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये जो बायोटेक का जो पोर्शन है उसमें तीन चार चीजें ही हैं, लेकिन वो लगने में यूँ लगता है कि बहुत छोटी है, लेकिन बायोटेक अपने आप में एक ठीक ठाक बड़ा मैटर है जो पीजी लेवल पे आएगा। अब बायोटेक में क्या क्या चीजें, अगर हम सिलेबस देखें, अगर हम इसका सिलेबस देखें तो सिलेबस में हम पाएंगे कि इसमें जो पीजी लेवल का सिलेबस है उसमें मेनली दो चीजें हैं, एक बायोटेक्नोलॉजी है और एक इकोलॉजी का पोर्शन, दो ही चीजें हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी और पीजी कैसे, एक तो पहली यूनिट तो इकोलॉजी की और लास्ट यूनिट भी क्या इकोलॉजी से संबंधित है। आप इसे इकोलॉजी, मैं तो इसे इकोलॉजी कहूंगा बिकॉज वो फॉरेस्ट और वो वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो एक ओवरऑल पहली और लास्ट यूनिट इकोलॉजी से संबंधित होगी। बीच की जो यूनिट है जो पहले इकोलॉजी थी वो तो मूव कर गई नहीं अगले सेक्शन में, तो अब जो बायोटेक का पोर्शन है वो अगर सारा मिल रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी जो बायोटेक्नोलॉजी के नाम से है, टूल्स एंड माइक्रोस्कोप, ये सारी चीजें बायोटेक्नोलॉजी ही है बिकॉज बायोलॉजी और उससे जो आधारित उससे संबंधित जितनी भी तकनीक है उसे मैं बायोटेक्नोलॉजी में ही मानता हूँ, आपको भी माननी चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला पोर्शन है बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें है बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री वाला पोर्शन नहीं है, हिस्ट्री वाला एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अपन फिर कभी देखेंगे जो कि जरूरी है, हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक अपन हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे आप उसको ढंग से क्लियर नहीं समझ सकते। अब बायोटेक के बारे में खास बात क्या है, बायोटेक की बात ऐसी है कि बायोटेक एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्टूडेंट समझता है कि मुझे आती है, रटना है या फिर ज्यादातर रट के रहते हैं। अगर बायोटेक मेरे हिसाब से मैथ्स जैसा टॉपिक है, अगर आप कंसेप्चुअली समझेंगे उसे तो उसमें ज्यादा कुछ रटने की बात नहीं है, कंसेप्ट हैं। जिस तरह से अगर मैथ्स में अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सारे उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस एक ही फॉर्मूले से हल होते हैं, तो ठीक उसी तरह से उतना ही कंसेप्चुअल बायोटेक्नोलॉजी है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है बिकॉज मैं कुछ वीडियोस भी देख रहा हूँ, अभी आप वीडियोस की बाढ़ आ गई है बिकॉज जब से बायोटेक्नोलॉजी पीजी में गया है तो सभी को डर लगने लगा। और दूसरा बड़ा चेंज क्या हुआ है कि जो पहले बाउंडेशन थी कि 10 क्वेश्चन आएंगे पीजी लेवल के, अब बाउंडेशन भी नहीं रही, अब आरपीसी कहती है कि 150 150 क्वेश्चन जो है हमारे लिए सिलेबस, इसमें से हम 150 क्वेश्चन देंगे। किसमें से क्या देंगे, ये कितने क्वेश्चन किसमें से देंगे, ये भी मैंडेटरी नहीं। पहले वाले में तो क्या एक कैप लगा रखा था कि पीजी के 10 आएंगे, यूजी के 55 आएंगे, 12th लेवल के 55 आएंगे और बाकी पेडागोलॉजी और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके आएंगे, लेकिन अब ये गैप हट चुका है। तो ऐसे में बायोटेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों, अगर पेपर टफ आता है तो टफ बनाने का अगर मादा अगर किसी टॉपिक में है पेपर को तो वो बायोटेक्नोलॉजी में। पहली बात तो यूजी में था तब तक तो ठीक है, लिमिटेशन था कि यूजी लेवल का पढ़ लिया काम बन गया, लेकिन अब पीजी लेवल तो बहुत बड़ा लेवल होता है, तो ऐसे में पीजी लेवल के हिसाब से उसकी तैयारी करनी चाहिए। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बिल्कुल तरीके से हम पीजी लेवल के जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम इस बैच में जो हमने भी शुरू किया है आज उसमें अपन पढ़ेंगे। कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी, कुछ लाइव क्लासेस भी रहेंगी, टेस्ट भी है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है, ऑनलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, हम अगर इसमें आगे बढ़े, अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि डेफिनेशन, स्कोप एंड एप्लीकेशन। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन। अभी मैंने कहा था मैथ्स जैसा टॉपिक है, ठीक है, तो हमें ये समझना है, ध्यान रखना है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या बोला है, कैसे ध्यान रखेंगे उस पर बात करें। देखिए डेफिनेशन क्या है, अब अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन लिया, अब मैं मेरी डेफिनेशन सुनता हूँ। अब देखिए काम की बात क्या है कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला एग्जाम है। अब जब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला एग्जाम है तो हमें समझ में आनी चाहिए बिकॉज हमारे पास चार ऑप्शन होंगे और चार ऑप्शन में से एक टिक करना है। इसका मतलब किसने क्या परिभाषा दी है वो हमें रटने की जरूरत नहीं है, परिभाषा को एज अ स्टेटमेंट याद नहीं करना बिकॉज ऐसा कोई नहीं पूछने वाला वहां पे कि आईयूपीएससी के अनुसार बायोटेक की परिभाषा लिखी है 2 नंबर की, ऐसा नहीं आएगा, राइट। तो ऐसे में हमें कंसेप्चुअली चीजों को समझना है। तो अब बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन 50 तरह की डेफिनेशन है, 50 लोगों ने अलग अलग तरह से दिए, लेकिन सार की बात अपन पहले कर लेते हैं। सामान्यतः सार बाद में निकाला जाता है लेकिन ये यहाँ पर जरूरत इस बात की कि पहले निकाले। अब देखिए क्या है, मेरी तो आदत है कि कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो उसका संधि विच्छेद कर लो। अब क्या है इसमें, ये शब्द है बायोटेक्नोलॉजी, अब देखो इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं।
कि दो चीजें हैं, एक तो बायोलॉजी है, दूसरी है टेक्नोलॉजी। क्या कहती है ये? कहती है कि इसमें एक तो बायोलॉजी का पोर्शन होना, कहीं ना कहीं कोई जीव आना चाहिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार का जीव क्या क्या है, एक पादप हो सकता है, कोई जंतु हो सकता है, कोई सूक्ष्म जीव हो सकता है, सभी लपेट लिए अपने इसमें। बिकॉज जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते वो सूक्ष्म जीव हो गए। सूक्ष्म जीव एक बड़ा विस्तृत शब्द है, उसमें सारे आगे, उसमें आप क्लासिफिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है कि मोनर आएंगे प्रोटिस्टा, सूक्ष्म जीव मतलब सूक्ष्म जीव। फिर जो बाकी बच्चे जो दिखते हैं फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, तो तमाम तरह के जीव आ गए। इन सब का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल सिस्टम होना चाहिए। और उसके ऊपर अगर हम तकनीक लगा दें, कोई तकनीक लगाएं, कोई ऐसी पर्टिकुलर तकनीक का डिवाइस करें जिससे कोई अगर चीज बने तो वो कहलाएगी बायोटेक्नोलॉजी। अगेन कह रहा हूं समझने की जरूरत, हिंदी में क्या कहेंगे, जैव, वही जैव तो आना ही चाहिए। और प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी क्यों? बिकॉज इसका काम, इसकी शुरुआत हुई इसलिए कि कोई चीज को जब हम उसका फंडा समझ जाएं तो उसको ह्यूमन के लिए या फिर ह्यूमन के यूज के लिए उसे बड़े स्केल पर कैसे लागू करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका बेनिफिट उठा सके। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण यह है कि हमने देखा कि एक जीव, एक बैक्टीरिया या एक फंगस, उसके चारों तरफ एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया नहीं हो पाता, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करते हैं अपन, पेनिसिलिन की खोज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या देखा कि बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है उसके बीचों बीच एक फंगस लग गई, और फंगस जितनी जितनी एरिया में फंगस उस पैटरी प्लेट में, उस इलाके में कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। उसका ऑब्जर्वेशन था, उसने नोट किया कि अच्छा ये कोई ना कोई पदार्थ सीक्रेट कर रहा है। अब ये पदार्थ नो डाउट बैक्टीरिया को मार रहा है, और हमें ऐसी चीज चाहिए जो बैक्टीरिया को मारे। तो हमने क्या किया, हमने पूरा जोर लगा दिया कि इस पूरे प्रोसेस को समझे, और हमारे प्रोसेस को समझने पर हमारे क्या समझ में आया कि ये एक फंजाई है जिसका नाम पेनिसिलियम है, और ये एक केमिकल पदार्थ सीक्रेट कर रहा है, पेनिसिलियम हमने नाम दिया उसका, उसने पेनिसिलियम ने कुछ अपना नाम रख के उसको सीक्रेट नहीं किया। और ये जो पेनिसिलिन है वो क्या कर रही है, अपने चारों तरफ ग्रो करने वाले बैक्टीरिया को मार देती है, ठीक है। धीरे धीरे और कुछ जो हमारा विज्ञान बढ़ता रहा, हमें पता चला कि डीएनए सब कुछ है। जब हमें लगा कि डीएनए सब कुछ है तो हमको लगा कि यार क्यों ना इस ये जो चीज जो प्रोडक्ट बन रहा है इसकी संरचना देखो, तो हमने संरचना के बारे में खोज कर ली, धीरे धीरे इसकी जीन के बारे में खोज कर ली, और जब हमें जीन पता चल गई कि अच्छा ये जीन है जो ये बनाती है, तो धीरे धीरे हमने ज्ञान को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग तक आ गए थे, और हमने ऐसे मेथड्स डिवाइस कर लिए, ऐसे 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 तरीके खोज लिए जिससे हम किसी पर्टिकुलर जीन को, विशेष पर्टिकुलर पोजीशन से काट सकते हैं, उसको क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने उस पेनिसिलियम से वो पेनिसिलिन बनाने वाली जीन को काटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग लगाई, बिकॉज सभी पीजी स्टूडेंट्स हैं इतना तो आप सभी समझते हैं, आप 12वीं पास नहीं है, जेनेटिक इंजीनियरिंग लगाई और इस पेनिसिलिन की जीन को वहां भेज दिया बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया तो बेचारा ये कि उसमें तो प्लाज्मिड सिंगल कॉपी भेज दी, अब हमें उत्पादन करना है बड़े लेवल पे, क्यों? बिकॉज हमें पता है कि ह्यूमिनिटी की प्रॉब्लम है ये कि बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। अब हमें उत्पादन करना है तो हमारे पास एक बैक्टीरिया, हमने बैक्टीरिया को बड़े लेवल पर ग्रो किया, बहुत बड़े लेवल पर, लाखों करोड़ों टन जो कल्चर मीडिया है उसके अंदर ग्रो किया, बड़े लेवल पर जब बैक्टीरिया को ग्रो किया तो बड़े लेवल पे पेनिसिलिन का उत्पादन हुआ, हमने उसे प्योर किया, प्योर प्यूरिफाई करके और शीशी में भर के बेच दिया, क्या बन गई, रामबाण दवा पेनिसिलिन, इंजेक्शन लगते हैं और तमाम तरह के एंटीबायोटिक्स ऐसे बचती है। अब इसमें गौर करें आप, इसमें जीव है, ठीक है, पेनिसिलिन, और उस पर हम तकनीकें लगा रहे हैं, हमारा जो ज्ञान है बाकी अन्य विज्ञानों का वो सारा हम समेट के इसमें लगाते हैं। तो एक उदाहरण दिया है मैंने, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी कोई एक पर्टिकुलर साइंस नहीं है, पहली चीज तो क्या है, ये एक इम्प्योर साइंस, अशुद्ध विज्ञान है। अब ये इस वजह से शब्द कहना गलत है, ये अशुद्ध विज्ञान है। इसको मैं और थोड़ा सा सही तरीके से क्या कहूं कि ये एक शुद्ध विज्ञान नहीं है। अब बात तो एक ही है लेकिन अलग अलग, शुद्ध विज्ञान नहीं है। अब शुद्ध शुद्ध का मतलब क्या, शुद्ध विज्ञान वो होता है जिसमें जो 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 चीज है उसी के बारे में बात होती है, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के बारे में,
ठीक है, बॉटनी है तो प्लांट्स के बारे में बात होगी, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ऐसा विज्ञान है जिसमें अकेला कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये मिश्रण है, प्योर साइंस नहीं है, ठीक है, ये एक मिश्रण है बहुत सारे ब्रांचेस का, ठीक है, बहुत सी सारी ब्रांचेस इसमें घुल मिल करके फाइनल, क्योंकि हमें क्या है, क्योंकि जहां बायो है, जहां जीव आ गया, तो बायो से संबंधित और भी बहुत सारे, बिकॉज बायो, अब मैंने कहा पादप आया तो पादप की प्लांट फिजियोलॉजी भी आएगी, पादप का क्लासिफिकेशन भी आएगा, पादप की फिजियोलॉजी भी आएगी, इसी तरह से अगर जंतु है तो जंतु की भी तमाम चीजें आएंगी, माइक्रोब्स की पूरी माइक्रोबायोलॉजी आएगी, तो इनका अगर हम जंतु पादप या सूक्ष्म जीव की बात करें तो उसके शरीर में होने वाली तमाम चीजें, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी जाए, चाहे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ी जाए, चाहे उसकी फिजियोलॉजी हो, उन सब के ऊपर जब तकनीक लगेगी तब जाकर के बायोटेक बनेगा। तो यानी ये एक जैसे अपने पढ़ा ना कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने गुनगुना जुड़ा, तो जैव प्रौद्योगिकी प्योर साइंस नहीं, शुद्ध विज्ञान नहीं है, इसमें बहुत सारी तरह की अलग अलग तरह की विज्ञान, न केवल विज्ञान, विज्ञान के अलावा अन्य सब्जेक्ट भी जब मिलते हैं तो अब एक समाहित होकर के जो सब चीज बनती है वो बायोटेक्नोलॉजी। इसलिए आप देखें अगर हम जब ग्रेजुएशन करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी में भी आती है, बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी के सिलेबस में भी आती है यूजी लेवल में। अच्छा जब अपन एमएससी करते हैं, अगर आप एमएससी चाहे जूलॉजी से करो बायोटेक पढ़ोगे, एमएससी बॉटनी से करो बायोटेक से सिलेबस आएगा, माइक्रोबायोलॉजी से करने जाओ बायोटेक पढ़ोगे, मेडिकल पढ़ो तो बायोटेक आने लगा है, तमाम तरह से। तो कुल मिलाकर के बायोटेक्नोलॉजी एक सभी अलग अलग चीजों को समाहित करके जो विज्ञान जो बना है उसे हमने बायोटेक कह लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बहुत सी शाखाएं जो है सम्मिलित है इसमें, ठीक है। जैसे अब इनकी तो आप बात ही मत करो, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन इसमें इनके अलावा कंप्यूटर साइंस जैसे भी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर का भी यूज होता है, और तो और इसमें इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान चाहिए अगर बायोटेक्नोलॉजी को समझना, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी है और प्रौद्योगिकी में औद्योगिक आ गया, उद्योग आ गया, उद्योग में इकोनॉमिक्स भी पार्ट है, बिकॉज कोई भी चीज जब हम इस तकनीक की सहायता से बनाएंगे तो उसका इकोनॉमिक्स होना इतना चाहिए कि वो फिजिबल हो, वो लोगों तक सामान्य कर खर्चे में उपलब्ध हो, ठीक है। आप सोचिए अगर कोरोना की वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा थी, और आप सोचिए कि इम्पोर्टेंस क्या है, छोटा सा एग्जाम्पल कोरोना का बात चली, आप सोचिए कि बायोटेक नहीं होती तो क्या होता हमारा, आज हम घूम रहे हैं बिकॉज हम सब वैक्सीनेटेड है, पूरी दुनिया में मूवमेंट शुरू हो गई, ठीक है, लगा फुल्का वो आ रहा है वापस भी आ रहा है, लेकिन वैक्सीनेटेड है, एक वैक्सीन की कॉस्ट को तो चलो फ्री फ्री में लगाई सरकार ने, लेकिन अगर ओरिजिनली देखें तो 7 से 8 हज़ार रुपये वैक्सीन की कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स भी इसके अंदर सम्मिलित है। अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इसकी परिभाषाएं ली, परिभाषा के बारे में बात करें, मैं थोड़ा ब्रॉडली समझा रहा हूँ, और मैं इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन जितना व्यापक होगा आपकी आगे चलकर के बायोटेक के प्रति समझ जो है वो बहुत व्यापक होगी। अगेन आप लोगों को कह दूंगा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स इस आरपीएससी की तैयारी को ठीक इस तरह से करते हैं जैसे वो पटवारी की तैयारी कर, टेलीग्राम के ग्रुप बने हुए हैं, उसमें नोट्स शेयर किए जाते हैं, कहीं से कोई पीडीएफ मंगा रहा है, ठीक है, ऐप्स पे पीडीएफ बिक रहे हैं, लोग ले रहे हैं पीडीएफ के नाम पर। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जो आपको कहीं से भी, मान लो किसी एक्स वाई जेड कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, चाहे मैं ही हूं कल को, और मैं आपको कहूंगी सारे नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ 1000 रुपए में, आपको क्या लगता है नोट्स पढ़ करके इस एग्जाम में पार पालोगे? पॉसिबल नहीं। इसलिए मैं बायोटेक को बड़े व्यापक स्तर पर डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज बायोटेक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और यही कारण है कि मैंने सबसे पहले शुरू किया। तो मैं एक पेड़ बनाता हूँ, देखिए आपने ये चित्र बहुत बार देखा हो, ठीक है, पेड़ है, इसकी जड़ें हैं, बहुत सारी जड़ें, और ये पेड़ के तने हैं, और ये पेड़ की शाखाएं, इस तरह का डायग्राम आपने देखा होगा, इसमें भी इस तरह के, इसमें भी ब्रांचेस मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पेड़ में बायोटेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की, मैं क्यों चित्र बना रहा हूं,
ये है बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन इसकी जड़ों में क्या क्या चीजें हैं, वो है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग मतलब बायोकेमिस्ट्री, उससे संबंधित जो इंजीनियरिंग है उसको अपन बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। मैथ्स और कंप्यूटर, वहां कोई मैथ कहां से आ गया? कंप्यूटर बिना मैथ के नहीं होता। मैथ सबसे प्योरेस्ट साइंस है, मैथ्स इज द ओनली प्योरेस्ट साइंस। इकोनॉमिक्स का ज्ञान चाहिए इसमें, माइक्रोबायो जड़ों में इसके, टैक्सोनॉमी भी चाहिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तो है ही, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग मिनरल की बायोकेमिस्ट्री होगी, जेनेटिक्स होगी, और भी दो चार चीजें मान लो। ये सभी चीजें हैं वो जमीन के नीचे ये दिखाई नहीं देती, इन सब का ज्ञान का यूज हो रहा है, लेकिन बायोटेक का जो पेड़ लग रहा है उससे जो शाखाएं बन रही है उसके बारे में हम बात करें, तो इन सभी चीजों के नॉलेज का यूज करके हम क्या निकाल रहे हैं, पहली शाखा फूड एंड फीड टेक्नोलॉजी। आप देखो फूड की बड़ी समस्या, फसल सुधार हो रहे हैं, नए नए लक्षण आ रहे हैं, नए नए गुण आ रहे हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, ये बीजों में सुधार हो रहा है, नस्ल सुधार हो रहा है। हम देखें वाटर यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी, पानी का जो उपयोग है उसकी तकनीक, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा हिंदी में लिखने का प्रयास करता हूं, पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी। एक चीज और बताऊं जो प्योर हिंदी की डिमांड करते हैं कि हमें सब कुछ समझ में नहीं आता, बहुत कठिन है लगरपन लड़की भाई लोगों, दुर्भाग्य है। आप एमएससी करके बैठे, आप मत भूलिए कि इस एग्जाम की जो मिनिमम योग्यता है एमएससी है। डेली बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं, उनसे बात करके मुझे कहीं लगता ही नहीं है कि वो एमएससी पास आउट है। ठीक है, इतनी भी राजस्थान के अलावा कोई ऐसा स्टेट नहीं जिसमें हिंदी में आपको आपको एमएससी होती है। क्या क्या है इसके इलाके और एक बहुत बड़ी शाखा, मैं इसे ये यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं इसको यहाँ लिखूंगा, गौर कीजिएगा। ये जो तना है मुख्य है, ये तो बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन यहाँ देखो ये यहाँ से सारी शाखाएं निकलती है ना, मैं इसको यहाँ पर एक चीज लिखूंगा, आर डीएनए टेक्नोलॉजी, बिकॉज आप आगे बात करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योजक डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहां से क्यों, बिकॉज ये मूल तला इसी से सारी चीजें निकलती, तो सभी में ये चीज काम आती है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की मूल अंतरात्मा है। ठीक है, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन द्वारा, किण्वन द्वारा, बड़े बड़े लेवल पे आप देखो अमूल और ये जो बड़ी बड़ी जो डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है, कितने बड़े लेवल पे आइसक्रीम बनाती है, कितने बड़े लेवल पे घी बनाती है, कितने टनों के टनों दूध का उत्पादन करती है, मिलियन लीटर दही का उत्पादन करती है, और दूसरे रिलेटेड चीज बनाती है, पनीर बनाती है, श्रीखंड बना रहे हैं, अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम्स बना रहे हैं, ये तमाम चीजें फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में आती है। बिकॉज जब तक हमें तकनीक नहीं पता होगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। और तो और एल्कोहल इंडस्ट्री मान लीजिए, जो लिकर कंपनियां हैं, जो दारू बनाती हैं, जो मदिरा बनाती हैं, उन सब का पूरा साइंस इसी पे है। बियर इंडस्ट्री है पूरी, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, अलग अलग फ्लेवर की जो बनती है। टिश्यू कल्चर बहुत बड़ी है, टिश्यू कल्चर। ठीक है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, ये तो आप मानोगे मेडिकल के साथ जब बायोटेक्नोलॉजी मिली, आप देखिए बायो, ये आपके बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स में क्या, जितनी भी इमेजिंग तकनीक है, जितनी भी आपने एमआरआई, ये जितनी भी जांचें हो रही है, उस सारे इसमें कुल मिलाकर के मैंने ये चित्र इसलिए बनाया है, और आपने बहुत सारे एग्जाम्स में किताबों में भी देखा होगा, जो भी आप यूजी या पीजी लेवल की पढ़ते हैं इसमें चित्र मिलेगा आपको। लेकिन मुझे यहाँ इस चित्र का जो यूज है मुझे आपको ये समझाना है, जमीन परिभाषा का जिक्र कर रहे हैं, और अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है परिभाषा के, और मैं परिभाषा को इतना व्यापक क्यों बता रहा हूँ, मुझे लगता है जिस बंदे को परिभाषा ढंग से समझ में आ गई वो बहुत कुछ इसका सार यही समझ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब परिभाषाओं की बात करते हैं।
डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, क्या क्या किसने कहा। अब मैंने आपको एक चीज बता दी, बायो होना चाहिए और तकनीक होनी चाहिए। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें करी, ठीक है। दो चार पांच परिभाषाएं लिख देता हूं मैं, ठीक है, वैसे यूज नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा और समझ में आ जाएगी। क्या कह रहे हैं, जब भी हम जैविक संसाधन है कोई भी जैविक संसाधन है, जैविक संसाधनों के औद्योगिक अनुप्रयोग जो है उन्हें ही हम बायोटेक्नोलॉजी, ये लोजी पहली परिभाषा कि जैविक संसाधन जितने भी, जैविक अभी ने कहा था जैविक संसाधन मतलब पादप जंतु माइक्रोब्स, उनका जब हम उनसे संबंधित कोई भी चीज का अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल का उपयोग सोच रहे, कोई कि इसको इंडस्ट्री लेवल पे यूज करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी कोई चीज बनाई जा सकती है जो ह्यूमैनिटी के काम की, बायोटेक है वो, दही बनाने की कंपनी, सिंपल। अब दही का आपको क्या लगता है, जो अमूल दही बनाता है वो आपको क्या लगता है कोई कचौरी में या फिर कहीं वो उसमें बनाता है, कितने अच्छे तरह के माइक्रोब्स यूज करते होंगे। आपने देखा है कि अगर आप पैकेट वाला दही लाओ, गौर करना मेरी बात पे, अगर आप पैकेट वाला दही लाओ और अगर आप गलती से एक दिन भी नहीं खाओ, बाहर रह जाए तो क्या वो खट्टा हो जाएगा। आप एक काम करें, इस बार कोशिश करें बाहर वाला लाएं और घर पे जमाएं दही, देखते कौन जल्दी खट्टा होता है। बाहर वाला खट्टा नहीं होगा, क्वेश्चन क्या है, आप सोचो उसमें कोई केमिकल नहीं, उनके अंदर जो बैक्टीरियल स्ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है, जो प्रभेद इस्तेमाल किए गए हैं, उनको जेनेटिकली इतना अच्छे से मॉडिफाई किया गया कि उनके अंदर लैक्टिक एसिड उत्पादन की क्षमता बहुत कम होती है। इसलिए क्यों ऐसा है, बिकॉज अब देखिए इंडस्ट्रियल लेवल पर सोचना है हमें, बिकॉज अगर हमने दही बनाना सीधा बेचना शुरू कर दिया ऐसे ही, और दही मैंने आज अगर पैक किया वो हो सकता है दो दिन बाद बिके, लाइट चली जाए, जिस फ्रीजर में वो पड़ा है, जिस दुकान पे वो है, हालांकि ऐसा नहीं है कि अपन उसे कितनी देर तक रख सकते हैं, लेकिन फिर भी शेल्फ लाइफ होती है 72-75 घंटे, 5-4 दिन तक दही चलता है। लेकिन अगर घर पे अपन रखें तो सुबह का अपन शाम को भी नहीं खा सकते। लेकिन अगर कोई दही बनाने वाली कंपनी है और अगर वो दही बनाना चाहती है तो उसके पास ऐसी तकनीक होनी चाहिए कि वो उन जीवों में, उन माइक्रोब्स में सुधार कर सके, जिससे उनकी लैक्टिक एसिड उत्पादन की क्षमता कम हो जाए और दूध या दही खट्टा नहीं हो। और अगर खट्टा नहीं होगा तो ऐसे में दुकानदार उसे लंबे समय तक उपयोग कर पाएगा और बहुत लंबे चलेगा। एक उदाहरण मैंने बताया, तो जैविक संसाधन जो अगेन हुई चीज आ गई, बायो और टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी। चलिए दूसरा, एक और लंबी चौड़ी परिभाषा, क्या कह रहा है ये, मानव के, ब्लैक पेन का यूज करते हैं, मानव जो जीवन है, ह्यूमैनिटी जो है हमारी रिक्वायर्स, मानव जीवन के प्रत्येक स्तर हेतु, प्रत्येक स्तर के लिए क्या क्या चीजें, जैविक तंत्र। अब जैविक तंत्र क्या है, फिर वो एक देखो शब्दों का घालमेल है, चीज वही निकलेगी, जैविक तंत्र सीधी सी बात है, पादप जंतु माइक्रो, तंत्र में तो यही आएगा जैविक तंत्र। अब जब ये जब जीव आएंगे तो उनकी क्रियाएं भी आएंगी, क्रियाएं तो करेंगे जैविक क्रियाएं, तो एक तो जीवों का और जीवों की जो क्रियाएं हैं वह अवस्थाओं और उनकी अलग अलग जो स्टेजेस हैं वह अवस्थाओं के विकास, उनका हमें क्या करना है, विकास करना है कि योजना पूर्वक, इसका अगर हम प्लान करें, योजना बनाएं तरीके से, प्रयोग ही क्या कहलाएगा, बायोटेक। शब्द है खाली, मानव जीवन के प्रत्येक स्तर हेतु जैविक तंत्र हो, उनकी जैविक क्रिया और अवस्थाओं का जो विकास जब हम करेंगे तो उनका योजना पूर्वक प्रयोग वहीं आगे जो उनका सिस्टमेटिक उपयोग में जो हम काम ले पाएंगे, तो बट जीव टेक बायो प्लस टेक अगेन वही से। और लेते हैं, किसी ने कहा कि नहीं साहब जैविक क्रियाओं के अनुप्रयोग जो है ना वही बायोटेक है। ये बात हम ऊपर भी बात कर चुके, 40 बार बात हो गई, ठीक है साहब ये भी बायोटेक है, कोई बात नहीं मान लेंगे। कुछ कह रहे नहीं उपयोगी जैविक क्रियाएं, सारी नहीं,
जैविक में तो बहुत सारी होती है, तो उपयोगी जैविक क्रियाओं की विज्ञान को बिल्कुल अगेन वही हम वापस वही आ गए, जैविक क्रिया मतलब बायोटेक आ गई। तो ये यहां पे तमाम जैविक क्रिया, यहां पे क्या उपयोगी जैविक, उपयोगी किसके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे ह्यूमन रेस के लिए, ठीक है। अब दो तीन संस्थाएं हैं, उन्होंने कुछ डेफिनेशन दी, उनके बारे में बात करें। सबसे पहले है यूरोप की जो फेडरेशन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक, ये क्या कहती है, यूरोप की फेडरेशन है, क्या कह रही है। जो स्टेटमेंट दिया है वो मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको, फिर उसको समझाता हूं। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी यानी बायो सूक्ष्म जैविकी एवं इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी के ज्ञान व तकनीकों का अन्योन्य रूप से प्रयोग करके सूक्ष्म जीवों, संवर्धित ऊतकों, कोशिकाओं व इनके कोशिकांगों से इनकी क्षमताओं के लाभ उठाने का विज्ञान बायोटेक्नोलॉजी। वही बात, चीज तो वही है, क्या कह रहे हैं मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का है, अब बायोकेमिस्ट्री क्या है, वो केमिस्ट्री जो जीव में चलती है, हमारे अंदर जितनी भी केमिस्ट्री चल रही है जिससे हम जिंदा, वो बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का ज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी का जितना भी ज्ञान है सूक्ष्म जीवों से संबंधित, और इंजीनियरिंग का जो ज्ञान है, ये सारी इंजीनियरिंग माइक्रोबायो में बायोकेमिस्ट्री के साथ लगाकर का जो ज्ञान है उसको लागू किस पे करना है, अप्लाई किस पे करें। अब देखो ये तो है ज्ञान, लगाएंगे किस पे, जीव पे, सीधी सी बात है, तो किस पे लगाएं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, इसके अलावा माइक्रो जीव के अलावा जो बाकी जो है उसका टिश्यू कल्चर पे, अगेन बायो आगे कहीं ना कहीं, सेल्स पे एंड ऑर्गेनल्स पे, कोशिका और उसके ऑर्गेनल्स पे जब हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे ये ज्ञान, तो जो चीज निकल के आएगी वो भी बायोटेक्नोलॉजी, ये कुछ, ठीक है। अब यहां पे चीजों को डिवाइड कर दिया, यहां पे पहले हम बोल रहे थे जीव जीव जीव, ये कह रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिश्यू कल्चर, तो एक स्पेसिफिक परिभाषा इसमें यहां पे हो गई, IUPAC वही अपनी केमिस्ट्री वाली, ये क्या कह रही है, इसने भी परिभाषा दी, क्या कह रही है कि जब हम बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो यानी जैव रसायनिकी, सूक्ष्म जैविकी और केमिकल इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन का उपयोग किस पे करें, किसके लिए करें, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, औद्योगिक प्रोसेस के लिए करें, ठीक है, औद्योगिक या कोई प्रोडक्शन उत्पादन विधि निकालनी हो अपने को, प्रोडक्शन मेथड्स पे हो, या एनवायरनमेंट, अब इन्होंने एनवायरनमेंट को ले लिया, या एनवायरनमेंट, इनका उपयोग जब इस पे होगा, ऑन इन पे होगा, तो जो चीज आएगी वो आएगी बायोटेक्नोलॉजी। यानी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, IUPAC के अनुसार जो बोला है उसे सुनिए, औद्योगिक क्रियाओं, जैसे यहां लिखा ना औद्योगिक क्रियाओं, उत्पादों, उत्पादन मेथड्स का व वातावरण पर जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी व केमिकल इंजीनियरिंग यानी रासायनिक अभियांत्रिकी का उपयोग। अब देखिए आपको रटना नहीं, हमें मैं अगेन कह रहा हूं यहां पे समझना है, खाली ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि ये बताइए निम्न में से कौन सी सही परिभाषा, और सही परिभाषा आप समझ जाओगे आराम से। हमें वही चीज समझनी है जो शुरुआत में कही, क्या थी शुरुआत वाली, शुरुआत वाली एक ही चीज, दो चीजें देखो, क्या उसमें बायो है ऐसा, अब बायो में नहीं, जीव चाहिए, जीव का सिस्टम भी चलेगा, जैसे इससे पहले वाली परिभाषा में क्या था,
हमने क्या कहा, टिश्यू कल्चर। अब जीव तो नहीं है लेकिन जीव का हिस्सा है, बायोलॉजी है ना, सेल है ना। अब देखो इसमें इसके अलावा और भी छोटे लेवल पे चले गए, एक सेल पे भी अगर हम बात करेंगे तो भी बायोटेक्नोलॉजी, बायो आ गया उसमें। और तो और ऑर्गेनेल तक, अगर केवल कोशिकांग पर ही बात हो वो भी बायोलॉजी, जिंदा है वो भी, ठीक है। यानी एक कोशिका या कोई कोशिकांग या ऊतक या कोई पूरा जीव या फिर उसके बाद तो बहुत बड़ा है, इन सब का कहीं ना कहीं बायो किसी न किसी रूप में होनी चाहिए, उस पर कोई ज्ञान लगाना है। तकनीक का मतलब ज्ञान, राइट, तकनीक मीन सिस्टमेटिक नॉलेज, तकनीक। कुल मिलाकर के ये परिभाषा है, और चाहो तो और भी देख सकते हैं, ठीक है। एक सरल सी परिभाषा है जो है OECD द्वारा दी गई। OECD क्या है, दुनिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं, दुनिया में जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, सारी दुनिया की जो बड़ी बड़ी कॉपरेशन है, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट बोर्ड, डेवलपमेंट ये एक बड़ी संस्था है। इन्होंने भी, इनको भी जी में आए बोले यार हम भी देंगे परिभाषा, देव परिभाषा क्या दे रहा है, इन्होंने क्या परिभाषा दी है। तो OECD क्या कहता है, विज्ञान, ऐसा कैसा लिख देता हूं आपको समझ में आ जाएगा, वह अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी अगेन इंजीनियरिंग, विज्ञान व अभियांत्रिकी के सिद्धांत। अब देखो मैंने दो चीजें बताई ना, जीव होगा और उस पर नॉलेज लगाना, के सिद्धांत, नॉलेज है उसका उपयोग, वही बात, नॉलेज का चार थोड़ा उपयोग उपयोग करेंगे उसे करके करके उपयोग करके। अब इसने एक बड़ी सरल बीच का रास्ता निकाल लिया, ना जीव रहा ना कुछ, जैविक कारक, कहीं पर भी कोई जैविक कारक नजर आ रहा उसको इसने लपेट लिया, जैविक कारकों से। जैविक कारकों से मतलब वही सारी चीजें, जैविक कारक मतलब जो जैविक है, यानी बायो है, जहां पर माइक्रोब्स, ठीक है ना, इनका उपयोग करें, विज्ञान और विज्ञान तरीके का उपयोग करें, और जितने भी जैविक कारक है, एक भाषा में लपेट लिया, इनसे अगर उपयोगी काम कराएं, से उपयोगी, या तो कोई प्रोडक्ट दे दो हमें या कोई सेवा दे दो, उत्पाद व सेवा प्राप्त करने का विज्ञान जो है, सेवा प्राप्त करने का विज्ञान क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। मुझे ये सबसे सही परिभाषा लगती है, सारी चीजें गलत नहीं है लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू ग्रास्प। लेकिन मैं आपको बता दूं इस पूरे सिस्टम की जो अंतरात्मा में जो बड़ी चीज है वो क्या है, जब हमने DNA को आइसोलेट करना और उसको मैनिपुलेट करना सीखा, आगे अपन पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में, तभी रियल सेंस में बायोटेक्नोलॉजी का ढंग से विकास हुआ, ठीक है। तो ये थी कुछ परिभाषाएं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी के संबंध में जो आज का लेक्चर है, जो खाली परिभाषा पे भी मैंने आधारित जो मैंने बनाया, उसका मुख्य उद्देश्य है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा मेंटल क्लियरेंस देना है आप लोगों को, ताकि बायोटेक्नोलॉजी क्या है उसे आप समझ सकें। अगेन मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिंसियर बच्चे हैं, लेकिन वो फालतू में जो अनसिंसियर बच्चे हैं उनके द्वारा जो कचरा फैलाया गया है, जिनका सिलेक्शन नहीं होना लेकिन वो माहौल बनाने में लगे हुए हैं, दुनिया भर के ग्रुप्स क्रिएट कर रखे हैं, उसमें एक्सचेंज हो रहे हैं, साहब मैंने पढ़ लिया, मैंने ये पर्चा बनाया, ये अब मैं इसको स्कैन करके शेयर कर देता हूँ, कुछ समझ में आएगा क्या, नहीं आ सकता। मैं आपको एक टॉपिक का एक नोट, एक टॉपिक का नोट्स दे देता हूँ, कोई मेरा बनाया हुआ, मेरा बनाया मेरे काम आएगा, ठीक है। नोट्स सिलाई हुई शर्ट है, मेरे नाम से मेरे लिए शर्ट सिलवाई गई, आपकी नहीं आएगी। अगर मैं या फिर आप, मैं आपको एक नोट दे दूं, मैं रोगे अच्छा कल मैं बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पर टेस्ट लूंगा और ये नोट्स हैं, इसे पढ़ लो, क्या सारे क्वेश्चन सही कर दोगे, पॉसिबल नहीं। अगर ढंग का क्वेश्चन बनाने वाला हो तो नहीं, तो सीधी बात है नोट्स के ट्रैप में नहीं है, पढ़ने पर ध्यान दे। और एक चीज और, मैं जो बड़ा एक बड़ी भ्रांति है वो ये है कि ज्यादातर लोग ये माल इन्फॉर्मेशन, एक गलत सूचना करें, हर चीज एलन की शीट से पढ़ रहे हैं। मेरे पास भी कॉल आया, सर बायोटेक्नोलॉजी वो एलन की शीट में भी वो पढ़ लेंगे, पढ़ ले भाई, कोर्स किसने मना किया है, लेकिन अब यार PG में या एलन क्या लेना देना है, कहाँ से पढ़े। अब उनको किताब बताओ कि सर हिंदी में बताओ, हिंदी में अच्छी किताबें नहीं है, वही फिर अच्छी किताबें तो वो इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इस चीज में डिपेंडेंट रहेंगे। कोई चीज जो UG है उसे आप जरूर UG लेवल पर पढ़ें, PG वाले को PG लेवल पर पढ़ें, नोट्स होंगे, लेन देन से कुछ नहीं होने वाला, पढ़ना पड़ेगा। आप ध्यान रखें, आप पटवारी या कोई वीडियो, ये जो लो लेवल के जो एग्जाम होते हैं इनकी तैयारी नहीं कर रहे, आपको लेक्चरर बना रहे हैं भाई,
सैलरी देंगे आपको 50,000 रुपए और आप गजेटेड ऑफिसर होने वाले हो। तो हर चीज में एक भी वो ज्यादातर बच्चों का ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं एक ही तरह की तैयारी कर रहे हैं। वही बच्चा रीट की भी तैयारी कर रहा है, वो वन पाल की भी कर रहा है, वो वीडियो की भी कर रहा है, वो चपरासी भी कर रहा है, वही सेकेंड ग्रेड में लगा वही फर्स्ट ग्रेड में लगा हुआ है। अब वो कह रहा है उनको पता ही नहीं है कौन सा किस लेवल पर ऑपरेट होना, लेकिन अच्छी बात ये कि कंपटीशन कम हो रहा है। क्वालिटी पे गौर करें, जो क्वालिटी रखेंगे जो बच्चे उनको बहुत कम एफर्ट में अच्छे से नौकरी 100% मिल जानी है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में जो हिस्ट्री जो इसका डेफिनेशन वाला पोर्शन है उसमें इतना ही, अगला जो सेक्शन है ठीक है उसमें हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए।